हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ टाइल पेंटिंग। जनरली क्या होता है, घर में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम अगर चल रहा होता है तो एकाध दो टाइल के पीसेस बच जाते हैं, तो वो किस तरह से काम में ला सकते हैं ये आज हम देखेंगे। और दिवाली की तैयारियाँ सर पे है, तो दिवाली के लिए क्यों ना रंगोली के बारे में ही सोचा जाए, तो इसलिए टाइल पेंटिंग के द्वारा आज मैं रंगोली के बारे में आपको बताऊंगी कि उस पर छोटी सी रंगोली कैसे हम बना सकते हैं, और वो भी परमानेंट रंगोली आप कह सकते हो कि लॉन्ग टाइम रहने वाली, कि कितने भी बच्चे आते हो घर में या कोई भी मेहमान आने जाने वाले हो तो वो ख़राब नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं टाइल पेंटिंग और उसमें भी रंगोली की एक टाइप। तो दोस्तों, जब भी हमारे घर में कोई रिनोवेशन का काम होता है या टाइल्स का काम होता है, तो एक आध दो जो टाइल्स बच जाती है उसको किस तरह से हम लोग उसका बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे बना सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो आज देखेंगे। तो अगर दिवाली के लिए या मेहमानों के स्वागत के लिए वगैरह कुछ करना है या कोई पूजा है आपके घर में उस लिए कोई तैयारी या रंगोली करनी है, तो जनरली हम लक्ष्मी माता जी के चरण चिन्ह बनाते हैं या गो पद्म जैसे गाय के चरण चिन्ह बनाते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे इस पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक सिंपल सी टाइल है, कॉमन वाइट कलर की, तो ये ली है मैंने और इसके ऊपर छोटे छोटे मैं चरण चिन्ह बनाने वाली हूँ माता जी के, और मैं यूज़ करने वाली हूँ ये परमानेंट मार्कर। तो ये मार्कर पेन या टाइल पेंटिंग हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तो परमानेंट मार्कर है तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये रह सकता है, बस उसको सूखने अच्छे से देना है। चरण चिन्ह बनाने जा रहे हैं, शुभ के लिए बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैं रेड कलर ही यूज़ कर रही हूँ। तो माता जी के चरण बनाने हैं हमको। तो इस तरह बनाए, एक पग बनाया, फिर दूसरा भी इस तरह से बनाएंगे। माता जी के पैर में नूपुर छुमछुम सजाएंगे। पायल बना दी है, चाहिए तो अगर आप चाहते तो इसमें साथिया भी बना सकते हैं या स्वस्तिक जिसको मानते हैं या कहते हैं। तो ये हो गए माता जी के शुभ चरण। अब ये भगवान जी का है इसलिए हम लोग इस तरह से दो लाइंस भी खींचते हैं साइड में ताकि पता चले। ये हमारे पूजा में काम आने वाली चीज है। तो इस तरह से प्यारे से माता जी के चरण आपको बनाने हैं, और जनरली एक नहीं बनाते हैं तो बुलाते हैं किसी मेहमान को, तो जनरली पैर में आओ, मतलब जोड़े से आना, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, बोथ ऑफ यू, दोनों ही आप हमारे घर आना, क्योंकि अकेली लक्ष्मी जी आएंगी तो फिर वो भी परेशान हो जाएंगी ना। हम सभी को हमारे जो पैर होते हैं, मतलब कपल को तो साथ में बुलाना चाहिए ना, तो अकेली लक्ष्मी जी नहीं, हमें नारायण जी भी साथ में चाहिए, विष्णु जी भी साथ में चाहिए, तो उनके भी चरण चिन्ह इसमें ज़रूर आएंगे। और फिर हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा मानते हैं कि ज्येष्ठा और कनिष्ठा ऐसी दो गौरी होती है या लक्ष्मी जी के दो स्वरूप हैं, तो वैसे भी फिर तो आ जाते हैं, या हम लोग जो गणेश जी के बच्चे हैं शुभ और लाभ, वो भी दो बच्चे हैं तो हमें साथ में होना चाहिए उनको, तो इसीलिए एक चरण चिन्ह ऐसे तो बनाना ही नहीं है, तो दो की जोड़ी में ही हमको बनाना है। फिर माता जी की पायल अच्छे से बना देना।
फिर ये जो वैदिक चिन्ह है, इसलिए इस तरह से हम उसको लाइन से और शुभता प्रदान करेंगे। ये हो गए माता जी के और प्रभु के चरण। अगर आप बीच में बनाना चाहते हो तो साथिया या स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हो, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। तो इसमें बना दूंगी मैं, आजकल ये सब हमें सिखाने वाले, संस्कार करने वाले बहुत कम नजर आते हैं, इसलिए ये सब हमें इस तरह से पास ऑन करने हैं हमारे न्यू जनरेशंस को, ताकि उनको भी पता चले कि ये सब हमारे पूर्वज जो थे या हमारे दादा परदादा या दादियाँ कैसे करती थी या नानी, क्योंकि इसी से हमें आगे प्रॉस्पेरिटी मिलती है। प्रॉस्पेरिटी ऐसे ही नहीं आती है, तो ये सारे संस्कार साथ में लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे शुभ चिन्ह जो ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु के चरण के नीचे जो होते हैं ये सारे शुभ चिन्ह ज़रूर होते हैं, तो हम इनको इस तरह से ज़रूर बनाएंगे। और भी शुभ चिन्ह हैं जो कि एक त्रिशूल बना सकते हो, ये प्रतीकात्मक होते हैं, क्योंकि हम शस्त्रों की पूजा करते हैं और भगवान जी के पास सारे शस्त्र होते हैं, तो ये प्रतीकात्मक भगवान जी की और उन शस्त्रों की पूजा होती है जिनकी वजह से हमें शक्ति मिलती है। भगवान जी इनकी, इनके साथ हमें भी शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए इनकी प्रतीकात्मक पूजा हम लोग इस तरह से की करते हैं। तो ये हो गया प्रभु का त्रिशूल। और भी शुभ चिन्ह है जैसे कमल, वो लक्ष्मी जी को तो बहुत प्रिय होता है, इसलिए ये जरूर होना चाहिए। ये पीस और प्रॉस्पेरिटी दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए यस वी शुड हैव दिस पर्टिकुलर ड्राइंग इन अवर रंगोली when we are preparing a rangoli for or drawing a rangoli for some festival or puja। तो ज़रूर देखिए इस तरह से आपको जितने curves हो उसमें बहुत अच्छा है। किसी भी रंगोली में curves बहुत मायने रखते हैं। पंचदल या अष्टदल कमल बनाओ तो बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया एक कमल। फिर भगवान जी के चरणों में और भी होते हैं शुभ चिन्ह, जैसे कि गदा, तो ये हो गई गदा। एक चक्र, प्रतीकात्मक एक चक्र भी होता है, जो सुदर्शन चक्र के नाम से हम जिसको जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का एक शस्त्र और अस्त्र है।
इसको तो प्रतीकात्मक आप जिस तरह से ड्रॉ करना चाहो आप कर सकते हो। जनरली कुछ लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, या फिर आप इस तरह से भी उसको, ये घूमने वाला है करके उसको मोशन दिखा सकते हो। इन सभी चीज़ों में बस एक भावना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्रभु का स्वागत करना चाहते हो, मेहमानों का स्वागत करना चाहते हो, वो उसमें दिखता है। तो ये शंख चक्र गदा पद्म श्री स्वस्तिक ओम और माता जी के चरण, ये सारे बहुत अच्छे शुभ चिन्ह माने जाते हैं। और फिर गाय के चरण, वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। इसके पहले के वीडियोस में हमने काफी देखा है इसको, पर आज टाइल पेंटिंग में भी आप उसको कैसे कर सकते हो वो दिखा रही हूँ। ये रहे गाय माता के गोपद्म, वो भी पैर में हो तो अच्छा होता है। किसी को भी अकेले आप घर पे बुलाओ तो उसको बहुत बोर होगा ना, तो अपने साथी के साथ कोई भी आता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमें वो भी पैर में अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये इस तरह से हमने दिवाली के लिए शुभ रंगोली बनाई है। और हाँ, उसमें एक और बात, शुभ और लाभ भी हम जरूर लिखते हैं, क्योंकि शुभ और लाभ तो गणेश जी के पुत्र हैं, तो गणेश जी सह परिवार हमारे घर पधारे, इसलिए हम उनका स्वागत इस तरह से करना चाहते हैं। तो ये हमारी, और ये सब कुछ जो है घर में अंदर आने के डायरेक्शन में हमको बनाना है। तो देखिए इस तरह से घर में आने के डायरेक्शन में, जैसे ये अंदर आ रहा है तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ये तो होगी पूजा के लिए शुभ रंगोली। दोस्तों टाइल पेंटिंग में भी हम अलग टाइप की रंगोली बना सकते हैं। अभी हमने जो देखी वो पूजा के स्थान पर जो रखी जाती है जनरली, वैसे शुभ चिन्ह वाली रंगोली देखी। अभी हम देखने जा रहे हैं टाइल पेंटिंग में ही संस्कार भारती वाली रंगोली, तो वो हम मार्कर पेन से ही बनाने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास ये बड़ी वाली टाइल है, वाइट कलर की ही है, सिरेमिक टाइल, उसमें मैं स्टार्ट करूँगी। अगेन मेरे पास जितने अवेलेबल कलर्स हैं हम वो लेंगे। एक बिंदु से मतलब डॉट से स्टार्ट करना है, जनरली हम वैसा ही करते हैं संस्कार भारती में भी, एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते हमें एक सर्कल और फिर आगे जाके उसको और एक सर्कल बना दिया डबल बॉर्डर की तरह। अब हम धीरे धीरे बाकी सब इसमें करेंगे। अब मैं चक्र बनाने जा रही हूं, इस तरह से हमें चक्र बना लेने हैं। अब हम चाहे तो कलर बदल सकते हैं, जो भी मार्केट में अवेलेबल होंगे आपको वो कलर लेने हैं। ये बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है रंगोली, हवा से उड़ेगी नहीं, किसी का हाथ पैर लग गया तो फैलेगी नहीं, बिगड़ेगी नहीं, और इजी टू मेंटेन है। काम होने के बाद उठा के आप उसको स्टोर भी करके रख सकते हो। देखिए बहुत प्यारे अच्छे से उसको आप बना सकते हो, चाहे तो उसको डबल मोटा बॉर्डर बना सकते हो ताकि उसको उभर के आ जाए वो कलर और डिज़ाइन।
आप उसको घुमा भी सकते हो अपने हिसाब से, कि अगर आप हिल नहीं पाते हो, जैसे अगर घर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, आपकी मैन पावर और वर्किंग हैंड्स अगर कम है आपके पास, तो आप किसी को भी ये काम हाथ में दे दो, उसको टेबल चेयर पे बैठा के रंगोली बनाने को बोल दो और बन जाएगी आपकी रंगोली तुरंत, तो आपको नीचे ज़मीन पे बैठ के भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा बेसिक फ्लावर और अंदर का तैयार है। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब हम इसके बीच में एक एक गोपद्म बना देंगे। तो ये हमने अपने वो पद्म बना दिए हैं, उसको भी आप चाहो तो ज़रा डार्क डबल लाइन से कर सकते हो। हमारे गोपद्म भी बनके तैयार है। अब हम चाहे तो और इसको सर्कल जितना चाहे आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर मैं गोपद्म टू गोपद्म एक एक सेमी सर्कल दे रही हूँ। ये डायरेक्ट विथ कलर्स कर रहे हैं, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप नहीं कर पाओगे डायरेक्ट विथ कलर्स, तो पेंसिल से थोड़ा बहुत ड्रॉ करके रख सकते हो। तो ये बेसिक सेमी सर्कल्स भी हमारे बन गए। इसको भी आप चाहो तो ज़रा बड़ा बॉर्डर, जाड़ा थिक बॉर्डर कर सकते हो। ये मैं सिर्फ आपको अलग अलग टेक्निक सिखा रही हूँ या मटेरियल का यूज सिखा रही हूँ, आपकी क्रिएटिविटी आपको खुद उसमें डालनी है। तो ये हो गए हमारे सर्कल्स भी। फिर मैं और एक एक सेमी सर्कल इसमें ऐड करना चाहती हूँ इसके बाहर राउंड के लिए, जो थोड़ी जगह छोड़ के बना रही हूँ। इसमें भी आप जो डिजाइन चाहो वैसा ले सकते हो अपने हिसाब से। ये एक बहुत ही इजी टाइप की रंगोली है, टाइल पेंटिंग, और वो भी परमानेंट मार्कर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि बाद में इसको आपको साफ करने के लिए आधा घंटा नहीं खर्च करना पड़ेगा। जनरली हम लोग पाउडर रंगोली यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको बाद में जब आपको साफ़ सफाई करनी है तो उठानी है रंगोली को, आपको आधा घंटा वो उठाने में, फिर आपका दिल भी बैठ जाता है कि इतनी प्यारी रंगोली मुझे उठानी पड़ रही है, बाद में सफाई करनी पड़ रही है। तो ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब उठा के उसको रख सकते हो, कहीं पर भी स्टोर भी करके रख सकते हो, वैसे का वैसा रहेगा ये। तो यस, ये हमने आउटर सेमी सर्कल्स भी बना दिए हैं। अब इसमें मैं छोटे छोटे तुरे की तरह कुछ बनाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट होता है
इस रंगोली में। तो अगेन एक लेयर में इसका दूंगी, चाहो तो इसमें ऐसे फिर से बना सकते हो छोटे पत्ते, फिर इस तरह से शुरू में जब तक ये थोड़ी सूख रही होती है रंगोली, ध्यान दीजिएगा कि इस पे हाथ आपका न जाए, वरना उसी समय थोड़ी फैल सकती है। ऐसे तो फटाफट सूख जाती है, बट कभी कभी अगर इंक फ्री फ्लोइंग है तो यस ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ तुरे की तरह हमें इसको बनाना है। देखिए मैंने इसमें दो ही कलर्स यूज़ किए हैं, तो दो ही कलर से भी हम बहुत प्यारी रंगोली बना सकते हैं और बहुत सुंदर लगेगी। फिर ये डॉट्स या बिंदु, ये भी बहुत काम में आने वाली चीज़ है, ये बहुत प्यारे लगते हैं। अब और जितना चाहो आप उसको डेकोरेट करो, कर सकते हो। देखिए 15-20 मिनट में हमारी रंगोली तैयार। आप चाहो जहाँ पे इसको रख सकते हो, न सिर्फ दरवाजे के मेन डोर के बाहर ही नहीं, आप उसको अपने कहीं पे भी सेंटर टेबल में, थोड़ा सा साइड में भी रख देंगे, या इसके ऊपर भी आप फ्लावर वास वगैरह सजा के रख देंगे तो ये बहुत प्यारा लगता है। और रोज़ के लिए भी अगर इस तरह से कहीं डेकोरेटिव पीस आपने रख दिया तो 4 चांद लग जाएंगे आपके डेकोरेशन में रोज़ की भी। सो यस, ऑलमोस्ट रेडी है हमारी रंगोली। अभी आप जितना चाहो उसको और डेकोरेट करते रहो, आपका मन जब तक भरता नहीं है। ये सारा अवेलेबल कलर्स के ऊपर है, जितने कलर्स आपके पास अवेलेबल है आप उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। इसमें ये एक भी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। चेक्स बनाओ या नेट बनाओ, बहुत प्यारी लगती है इसमें। ये दिखाती है, ये प्रतीक है रंगोली हमारी मेहमान नवाजी का, कि हम लोग अपने मेहमान के लिए कितने
आतुर होते हैं उनका स्वागत करने के लिए, जी जान से हम लग जाते हैं उनके स्वागत के लिए। और दिवाली के दिन तो मेहमान भगवान के समान हैं और भगवान भी मेहमान बनकर आ जाते हैं, तो किसी की भी स्वागत में, किसी के भी स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए हम लोग इस तरह से डेकोरेशंस में लगे रहते हैं ना, साफ सफाई डेकोरेशन। तो दोस्तों हमारा ये तैयार है, देखिए ये रंगोली हमारी बन गई है, छोटी सी ही सही, जितना बड़ा आपके पास टाइल है उतना बड़ा आप कर ही सकते हो, और भी यहाँ पे थोड़ी जगह बाकी है उसको भी आप डेकोरेट ज़रूर कर सकते हो। तो कोनों के लिए कुछ और दिखा देती हूँ, तो ये रहे कॉर्नर्स, इसको भी आप इस तरह से जरूर सजा सकते हो। इसके अंदर मैं ग्रीन कलर डालना चाहती हूँ, बट तो आप देखिए सिर्फ दो कलर से मैंने ये रंगोली बनाई है, व्हाइट कलर पे और कोई कलर ज़्यादा जचेगा नहीं जो मार्कर पेन में आएगा, इसलिए बट जनरली ये सारे शुभ कलर माने जाते हैं, ग्रीन है, रेड है, तो ऐसे मौक़ों में तो आपको ये चल जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो कोई दूसरा मटेरियल इसमें ज़रूर लगा सकते हो, बट आज सिर्फ टाइल पेंटिंग दिखा रही हूँ और वो भी परमानेंट मार्कर से, इसलिए इस तरह से कर रही हूँ। आप चाहो तो चारों कॉर्नर्स में कर सकते हो या सिर्फ ऑपोजिट कॉर्नर्स में भी ये हो सकता है, तो इस तरह से बहुत प्यारा लगता है। बस कहीं पे करना है तो कलर फिलिंग कर दीजिए, बस थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि स्केच पेन जब फिलिंग करते हैं तब इस तरह से फिलिंग होता है, वैसा दिखता ही है, इसलिए आपको सूखने के बाद उसको अगर यूज़ करना है तो ध्यान से करना है ताकि ख़राब ना लगे। न सिर्फ टाइल पे है, ऐसे किसी भी सरफेस पे आप कर सकते हो, घर के आंगन में डायरेक्टली भी मार्कर पेन से करना शुरू कर दो, किसी भी इस तरह के रंग की, जैसे आपको फेंट कलर है तो डार्क कलर यूज़ करना है, कंट्रास्ट दिखेगा तो रंगोली अच्छी दिखेगी, बेस में अगर डार्क कलर है तो फेंट कलर का पेन यूज़ कर सकते हो। जनरली टाइल्स फेंट कलर में मिलती है या लगी होती है, डार्क भी मिलती है, पर जनरली अगर आपके पास डार्क कलर वाला है तो कोई और मटीरियल उसमें यूज़ करके फिर बना सकते हो।
अगर आप एक ही डायरेक्शन में कलर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सारे स्ट्रोक्स एक जैसे दिखेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। ये रही आपकी शुभ वाली रंगोली, जो किसी भी मेहमान के स्वागत के लिए तैयार है, और भगवान जी के स्वागत के लिए तो खास तैयार है। तो इस तरह से हमारी संस्कार भारती वाली रंगोली भी इसमें तैयार है। दोस्तों अभी टाइल पेंटिंग में आपको मैं फ्री हैंड रंगोली दिखाऊंगी। संस्कार भारती वाली रंगोली भी एक टाइप की फ्री हैंड रंगोली ही है, बट जिसमें ऐसे कर्व्स नहीं है जो नेचर में आपको वैसे देखने को मिलते हैं, जैसे बेल पत्तियां फूल, तो हम वैसा कुछ करने की कोशिश करेंगे अभी कि जो नेचुरल डिज़ाइन आपको लगे। तो यस, लेट अस गो फॉर इट। अगेन आपके पास जो कलर्स हैं अवेलेबल वही लेने हैं, और इसमें जनरली ऑपोजिट कॉर्नर्स में आप करो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि टाइल वैसी चीज़ है कि चारों कॉर्नर में करो तो सिमेट्री दिख जाएगी, पर ऑपोजिट कॉर्नर में करो तो एक उसका और आर्ट नज़र आएगा, आपका आर्टिस्टिक टच दिखेगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। इसमें सबसे पहले मेरे पास ब्राउन कलर है, वो ले रही हूँ मैं, और इनिशिएशन कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे फूल इस पे दिखाना चाहती हूँ। ये फ्री हैंड है तो फ्री माइंडेड भी है, आपको जहाँ जैसे कुछ दिखाना है वैसे दिखा सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग की तरह भी हो जाएगा, बट नेचर का और फ्री हैंड का इसमें ज़्यादा हाथ रहेगा, नेचर इंस्पायर्ड ही होगा। मैं ऐसा दिखा रही हूँ जैसे आप कोई भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हो तो ही ये रंगोली बना सकते हो। नो, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में सिखाती रहती हूँ, जिससे कि आप अपने अंदर एक आर्टिस्ट बना सको, तैयार कर सको। अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आता है तो भी आप कभी भी स्टार्ट कर दो और अच्छा बन जाएगा। इस तरह से ईजी डिज़ाइन या ऐसा कुछ सिखाती रहती हूँ हमेशा आपको, आपने देखे ही होंगे बाकी के वीडियोस मेरे। अगर अब तक आपने नहीं देखे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा ये सारे वीडियोस और लाइक कीजिएगा। अब मैं कुछ और यहाँ पे करने जा रही हूँ एक्सटेंशन की तरह से। नेचुरली इस पे भी मैं सेम कि इसमें कलर आपको ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपको कलर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही आपको इसमें
डिज़ाइन चूज़ करनी है, क्योंकि फटाफट भी होनी चाहिए। चलो आपके पास टाइम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन हैव योर ओन डिज़ाइन एट इन दैट केस, बट आजकल टाइम की ही क्रंच है सबके पास, तो कम टाइम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है। सो यस, इसमें मैंने अब इसमें मैं थोड़ा सा शेड कुछ डालूं ताकि अच्छा लगे, और ये अपने हिसाब से करना है आपको, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है। इसमें एक तो दोस्तों इसमें आप और मज़ेदार बना सकते हो इसको, आप चाहो तो इसको यहीं पे रोक सकते हो या और आपकी डिज़ाइन बढ़ेगी। देखिए कैसे करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस के हिसाब से देखिएगा आपके पास कितनी जगह अवेलेबल है उस हिसाब से। ये एक कलर बहुत इसमें अच्छा मिलता है, रॉयल ब्लू, बहुत सुंदर दिखता है। देखिए जिस हिसाब का आपको ये बढ़ानी है डिज़ाइन, उस हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हो।
एक साइड से हमने इसको कर दिया है, अगर अगर आप चाहते हो तो इसी तरह से उसको और डेकोरेट कर सकते हो। मैं और कुछ नहीं करी, सिंपल सा ये बनाने जा रही हूँ। शेप तो आप कोई भी ले सकते हो। मैंने एक क्वार्टर की तरह शेप लिया है। सर्कल। अब इसको मैं आगे इसी तरह से करूंगी। मैं इसको अल्टरनेट फिल कर रही हूं सेम कलर से। एक मैट फिनिश या मैट लुक आएगा चटाई की तरह। इसको अल्टरनेट उसकी स्क्वायर्स आप फिल करते जाओ। एकदम आई कैची हो जाता है। चेस बोर्ड की तरह आपको एक छोड़ के एक को कलर करना है और सेम कलर यूज करो तो उसकी बहुत अच्छे से उठ के आता है, उभर के आता है वो पर्टिकुलर रंगोली का एरिया। इसमें भी आपको कोई माहिर होने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत बच्चों का काम है, फटाफट हो जाएगा। इस तरह से किसी को भी करने को दे दिया तो रंगोली तैयार। देखिए दोस्तों, मेरी नेट तैयार है। अब मैं और उसको सजाना चाहती हूँ। कंट्रास्ट कलर्स लीजिएगा तो बहुत सुंदर दिखता है कोई भी ड्राइंग। तो अब मैं और एक बार इसको आप देखिए, आप उसमें अब ये भी कर सकते हो। ऐसे भी नेट इफेक्ट ही चाहिए तो उसको कंटिन्यू करेंगे तो सेम लाइंस के साथ उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं पूरा तो सेम लाइंस नहीं करूँगी बिकॉज डिफरेंट कलर्स है तो उसका लाभ लेंगे हम, अच्छा दिखेगा। तो ऑलमोस्ट सिमेट्री मेंटेन करने के लिए इतना इतना मैंने कर लिया है। अब जो है मैं दूसरे कलर से उसको
फिल करूँगी, जैसे जस्ट लाइन्स नहीं है, आई एम पुटिंग सम डॉट्स इन इट। तो देखिए इस तरह से हमारा ये भी रेडी है। आप चाहो तो यही डॉट्स यहाँ पे भी कर सकते हो, बट इधर मैं कुछ और करूँगी। अब दूसरे शेड, जैसे ब्लू कलर ऊपर है तो रेड में अपने आप ब्लू कलर की शेड आ रही है। ये देखिए इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा है। मैं उसको और घुमा के इधर भी कंटिन्यू करूंगी। तो ज्योमेट्रिक फिगर्स है या फ्लोरल फिगर्स है, नेचर ड्राइंग है, फ्री हैंड ड्राइंग, ये बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह से। इसमें भी अगर आप चाहो तो भर सकते हैं, हम इसको भी कलर कर सकते हैं। सो लेट अस डू दैट, एटलीस्ट कॉर्नर्स में तो कर ही सकते हैं। तो मैंने इन तीनों कॉर्नर्स में उसको भर दिया है एंड फिर से मैं उसको एक टच देना ही चाहती हूँ, आई कैन नॉट गो विदाउट दैट। Once again, देखिए सिंपल लाइंस, सेमी सर्कल्स और सर्कल्स की मदद से हमने दो दो कॉम्बिनेशंस यूज करके बहुत ही प्यारे डिजाइन्स बनाए हैं। अब मैं सर्कल्स बनाऊंगी। कलर मिक्स हो रहा है, देखिए ब्लू के साथ रेड चिपक रही है पेन, तो उसमें कलर मिक्स हो गया। फिर थोड़ा सा उसमें ग्रीन ऐड कर रही हूँ, जस्ट अ डॉट। तो देखिए ना आपको प्रोपोर्शन की ज़रूरत है, ना आपको बड़ा आर्टिस्ट होने की ज़रूरत है, फिर भी आप बहुत प्यारी सी रंगोली बना ही सकते हो या डेकोरेटिव पीस बना ही सकते हो। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से हमने आज ये तीन देखे हैं पीसेस। एक ये पीस डेकोरेट किया हमने, हमने एक ये पीस भी डेकोरेट किया है और ये शुभ चिन्ह वाला भी पीस हमने डेकोरेट किया। तो इस तरह से अलग अलग तीन टाइप की टाइल पेंटिंग विथ परमानेंट मार्कर वाला, परमानेंट रंगोली हमने
मार्कर पेन से बनाई, और ये पोर्टेबल है, कहीं भी उठा के आप लेके जा सकते हो और रख सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों अपनी घर की सजावट ज़रूर कीजिए, मेहमानों का स्वागत ज़रूर कीजिए इस प्यारी सी रंगोली से, और मुझे लिख भेजिए अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रंगोली, ये टाइल पेंटिंग कैसे लगी, ये वीडियो कैसे लगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।